तो स्वागत है आप लोग हमारी लॉन्ग वीडियो के अंदर। आप लोगों को पता होगा शॉर्ट वीडियोज हम लोग काफी ज्यादा डालते हैं, तो आज हम लॉन्ग वीडियो डाल रहे हैं, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं ज्ञान गेमिंग के बारे में। तो ज्ञान गेमिंग जब यहाँ पे लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो उनके यहाँ पे आईडी नहीं चल रही थी, आप लोगों को पता होगा मैच मेकिंग में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पे उनकी गर्लफ्रेंड की आईडी यहाँ पे वो यूज करते हैं। एंड इस समय यहाँ पे जब उनकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे स्क्रीन पर आती है तो लोग यहाँ पे बोलते हैं कि किस करो, एंड यहाँ पे भाई मतलब भाई भाभी वगैरह कुछ यहाँ पे बोलते। तो क्या आप लोगों की छोटा सा क्लिप देख लीजिए। 140 दीदी ज्ञान भाई को किस सिक्स करो, ओपी भाई और भाभी, ओपी भाई और भाभी ऑल सेट नहीं क्या लेंगे हो गया। ओपी भाई ओपी भाभी निकलो निकलो निकलो, पक 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 बास्केट निकल। तो हम लोग होप करते हैं यहाँ पे ज्ञान भाई को उनका आईडी जल्दी मिल जाएगा। तो कैसे हम लोग बात करने वाला अगले अपडेट में यहाँ पे अमित भाई के बारे में। तो जब अमित भाई यहाँ पे लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो यहाँ पे राइस्टर यहाँ पे आ जाते हैं उनकी लॉबी में मास्टर जी की आईडी से। एंड अमित भाई सोचते हैं यहाँ पे कोई प्रैंक कर रहा है उनके साथ। एंड बाद में जब उनको कोई बोलता है अमित भाई को कि ये राइस्टर रियल था, तो उनका क्या रिएक्शन होता है वो आप लोग देख लीजिए। क्या बता सर, तुम बताओ मेरे को क्या बता। भगवान भाई, ये भी भाई वॉइस चेंजर यूज करने लग गया है, सब राइस्टर बने फिर रहे हैं। ओए ओए क्या ही बोले यार, सब सबके सब राइस्टर बन रहे, बताओ। ये भाई ये वॉइस चेंजर है कि राइस्टर ही मास्टर का हेड लेके खेल रहा है भाई। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं मास्टर हूँ, मास्टर हूँ। वॉइस चेंजर लगा के थोड़ा वैसे सोचा, थोड़ा प्रैंक कर लेता हूँ थोड़ा। चलो एक सेकंड, मैं प्रैंक कर रहा गाइस, ये राइस्टर है कि नहीं मैं पकड़ लेता, एक सेकंड रुका। ये बताओ सुनो गाइस, ये मेरे साथ प्रैंक कर रहा है कि मैं इसके साथ प्रैंक करूंगा, पता चल गया। एक सेकंड रुका, इसको मैं क्या ऐसे चीज पूछो। अरे यार तुम गलत सोच रहे हो गाइस। मास्टर जी ये बताओ कि हम लोगों ने दिल्ली में होटल में क्या खाया था, जल्दी भाई। ये राई स्टार है, ठीक है, झूठे झूठ बोल रहे हैं। अरे एक सेकंड थोड़ा आवाज थोड़ा कट रही है, एक सेकंड रुको रुको। वो क्या है ना, थोड़ा ना मेरा वो भूल गया मैं क्या खाया था, शायद बिरयानी, बिरयानी खाया था ना हमने, बिरयानी। भगवान, बिरयानी के अलावा मैं कुछ खाता ही नहीं, ब्रेकफास्ट में पैसे भी नहीं थे भाई सुबह। अरे मास्टर जी रुको, अभी मैं ये निकाल रहा हूँ बैग, ठीक है, मैं फिर बुलाता हूँ, उसके बाद खेलते हैं भाई। वो राई स्टार था। अरे ब्रो कोई बात नहीं यार, मेरे को पता है गाइस, शादी चल रही थी तो यहाँ पे उनका जो हस्बैंड था उनका फेस रिवील नहीं हुआ, तो फिलहाल उन्होंने यहाँ पे फेस रिवील कर दिया। तो एक छोटा सा क्लिप आप लोग देख लीजिए। तो कैसे आप लोग उनके हस्बैंड का फेस रिवील कैसा लगा नीचे कमेंट करके जो बताना। अगर यहाँ पे फेस रिवील की बात हो रही है तो कैसे हम लोग बात करने वाले हैं टोटल गेमिंग के बारे में। टोटल गेमिंग यहाँ पे सीरियस थे इस बार फेस रिवील के बारे में, उन्होंने यहाँ पे कुछ बोला है, तो एक छोटा सा क्लिप आप लोग देख लीजिए। जी भाई आप फेसले पर कब करोगे, आप फेस रिवील हो, अच्छा फेसले पर, अरे सॉरी फेस रिवील अपन लोग करने वाले हैं, मैंने सोचा है फेस रिवील का बहुत जल्दी गाइज मैं फेस रिवील कर सकता हूँ, चांसेस है तो देखते रहिए, बहुत जल्दी फेस रिवील होगा, आई होप हो जाए यार बहुत जल्दी, क्योंकि मैं प्लानिंग में तो लगा हुआ हूँ, अगर अच्छी प्लानिंग बैठ गई तो अपन लोग फेस रिवील कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट फेस रिवील के लिए ना मैं सोच रहा हूँ ना कोई टारगेट रखेंगे अपन लोग, पता है जैसे ट्विटर पे 5 लाख वो करवा दो फॉलोवर्स हो जाएंगे, और फिर इंस्टाग्राम पे 5-6 मिलियन करवा दो फॉलोवर्स, क्योंकि 3 मिलियन तो है ही वैसे भी, तो बहुत सारे लोग जैसे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके रखा है उन लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो करके नहीं रखा। अब देखो इम्पॉसिबल टास्क है, जैसे मेरा फेस रिवील भी इम्पॉसिबल है वैसे ही ये टास्क भी इम्पॉसिबल है कि आप 6 मिलियन इंस्टाग्राम पे कराओ और उसके अलावा ट्विटर पे 5 लाख फॉलोअर फैमिली कराओ, तो काफ़ी मुश्किल रहेगा, बट ट्राई करो करवाने के लिए, उसके बाद ही मैं फेस रिवील करेगा, ऐसा कुछ टास्क रखेंगे और उसके बाद ही करेंगे अपन लोग कुछ। ओके तो कहते आप लोगों को क्या लगता है ये चीज़ क्या हो पाएगी या फिर अज्जू भाई का फेस्टिवल हो पाएगा, नीचे कमेंट करके जो बताना। कहते यहाँ पे एक और अपडेट यहाँ पे अज्जू भाई की तरफ से, अज्जू भाई यहाँ पे बताया कि उनके यहाँ पे बचपन में शादी हो चुकी थी, तो इसके बारे में वो क्या बोले एक बार छोटा सा क्लिक आप लोग देख लीजिए। बोला मैं बड़ा हो गया भाई, आई एम भाई बच्चा, दिसंबर में शादी है तुम्हारी, तुम बच्चे हो। हाँ दिसंबर में शादी है फिर भी हम बच्चे हैं ना भाई, उसे शादी के साथ क्या लेना देना,
भाई बच्चे शादी नहीं करते। हम तो करते हैं, हमारे यहाँ पे बाल विवाह कर लेते हैं, क्या बात करते हो यार। वो भाई कानूनी जुर्म है, वो नहीं करवाना चाहिए भाई। मैंने खुद बाल विवाह किया है, कानून कुछ नहीं किया। हाँ सबसे हाँ ना, मैंने बाल विवाह किया हुआ है। और एक दिन अरे पता नहीं कौन भाभी अब कहाँ पे है भाभी, जब ये बच्चे लोग गरगट्टा खेल रहे थे कुछ ऐसा, घर घर खेलते ना, मेरे को देख लिया बच्चियों ने मेरे को देख लिया, बोला कि वो लड़का आ रहा इधर आ, इसके साथ तुमको शादी करना। बोला कैसा, बोला तुम आओ, तो उन लोगों ने शादी करवा दिया मेरा उसके साथ। तो बेसिकली वो यहाँ पे मजाक कर रहे थे, मतलब यहाँ पे मजाक के वे में वो बोल रहे थे। गाइस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आज की वीडियो में, इतना ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।